जयपुर जिले में स्कूल शिक्षा विभाग में डिजिटल नवाचारों पर मैराथन मंथन। प्रदेश की सीनियर सेकेंडरी स्कूलों में अब साप्ताहिक टाइम टेबल से चलेगी स्मार्ट क्लासेस। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जोधपुर में एमएसईएमई कॉन्क्लेव का हुआ आयोजन। विभिन्न क्षेत्रों के लगभग 350 प्रतिनिधियों ने लिया हिस्सा। हेरिटेज नगर निगम की महापौर मुनेश गुर्जर दोबारा हुई निलंबित। स्वायत्त शासन विभाग ने निलंबित के आदेश दिए। मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के तहत बीकानेर में आयोजित की गई अमृत कलश यात्रा। विद्यार्थियों को पौधारोपण की दिलाई गई शपथ। जयपुर में कांग्रेस कार्यालय के शिलान्यास समारोह में चित्तौड़गढ़ से पहुंचे सैकड़ों कार्यकर्ता। ब्लॉक अध्यक्ष और मंडल अध्यक्ष के नेतृत्व में बसें रवाना हुई। चित्तौड़गढ़ जिले में 3 दिवसीय जिला स्तरीय विज्ञान मेले का आज हुआ समापन। जिला स्तर पर प्रथम रहे विद्यार्थी राज्य स्तर पर करेंगे जिले का प्रतिनिधित्व। जयपुर के जगतपुरा में हरे कृष्ण मार्ग स्थित श्री कृष्ण बलराम मंदिर में राधाष्टमी महोत्सव मनाया गया धूमधाम से। महाआरती और पालकी उत्सव रहे आकर्षण की झांकियां। जयपुर में 10 लक्षण पर्व महोत्सव किया जाएगा आयोजित। सुगंध दशमी पर विभिन्न जैन मंदिरों में होंगे कई कार्यक्रम। जयपुर के श्री जैन श्वेतांबर महासभा के तत्वाधान में तपागच्छ की उद्यम स्थली आयर तीर्थ पर हुए कई कार्यक्रम। साध्वियों के सानिध्य में अष्ट प्रकार की हुई पूजा अर्चना। श्री देव नारायण मंदिर ट्रस्ट देवधाम जोधपुरिया निवाई टोंक में गुर्जर गौरव सम्मान से सम्मानित हुए डॉक्टर छाजूराम गुर्जर। हाल ही में जयपुर में राज्य स्तरीय समारोह में संस्कृत युवा विद्वान प्रतिभा पुरस्कार से भी हो चुके हैं सम्मानित। श्रीगंगानगर जिले में आयोजित वार्षिक ट्रूप कैंप में दिया जा रहा है प्रशिक्षण। जिला प्रशासन के तत्वाधान में नशा मुक्ति कार्यशाला का किया गया आयोजन। प्रतापगढ़ जिले में जिला निर्वाचन विभाग द्वारा स्वीप गतिविधियों का किया जा रहा है आयोजन। जिले भर में विद्यार्थियों ने निकाली जागरूकता रैलियां। जयपुर में महिला संस्था शक्ति विमेंस ऑर्गेनाइजेशन की महिलाओं ने इको फ्रेंडली गणपति वर्कशॉप का किया आयोजन। संस्था के सदस्यों ने बनाए मिट्टी के गणपति। बांसवाड़ा में 3 दिवसीय कृषि और आदिवासी स्वराज्य समागम 2023 का किया गया आयोजन। आदिवासी जीवन शैली और जलवायु परिवर्तन संस्कृति अभ्यास और अनुभव संवाद में रखे अपने विचार। और हनुमानगढ़ जिले के रावतसर थाना क्षेत्र में हुआ सड़क हादसा। 2 की मौत 2 घायल। ट्रक चालक के खिलाफ मामला दर्ज।